में से कोई एक भी यार एक्टर आ गया ना तो क्या धमाल होने वाला है। वैसे यार शाहरुख से ना कोई भी उम्मीद रखी जा सकती है। ओके लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक मजे में होंगे। और जी जवान 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 की ही धूम मची हुई है हर जगह और उसकी अपडेट्स हर एक जो है लेना चाह रहा है। तो आज मैं भी आपके साथ फिल्मी इंडियन से मैं एक अच्छी सी वीडियो लेके आई हूँ। उससे पहले भी लेकर आई थी, तो चैनल को इनके भी जो है सब्सक्राइब कर दें और मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? तो जी इस वीडियो के अंदर जो है बताया गया है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या एक एक दो सरप्राइजेज हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से सरप्राइजेज हैं जो कि इस वीडियो में बताए गए हैं और वो सच हैं कि नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड में नंबर वन कौन बनेगा, इस चीज़ के लिए बहुत सारे एक्टर्स एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन कभी किसी एक्टर को खुद से ही लड़ते हुए देखा? भाई शाहरुख खान वर्सेस शाहरुख खान, ये नई जंग शुरू हो गई है अपने इंडियन सिनेमा में। अब करे तो करे क्या, नंबर वन में बंदा खुद बैठा है और खुद को ही वहाँ से हटाना चाहता है। ये नया एटॉमिक बॉम्ब आया है मार्केट में, धमाके से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उड़ गए हैं इंडियन सिनेमा के। ब्लास्ट तो हो गया है लेकिन इसमें नुकसान कितना होगा वो आपको पता चलेगा सिर्फ कुछ घंटों बाद। 7 सितंबर अब कौन सा दूर है। इंटरेस्टिंगली जवान जिस फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ रही है वो खुद शाहरुख खान की ही दूसरी फिल्म है पठान। मतलब पठान के सही बात है, ये है असली लड़ाई। एडवांस बुकिंग में ऑलरेडी जवान ने पठान को बहुत पीछे छोड़ दिया, मतलब जो चीज पठान ने अचीव किया वो नामुमकिन लग रही थी उस टाइम। और देखो जवान ने सिर्फ कुछ घंटों में पठान को पीछे छोड़ दिया, ये दिखाती है पब्लिक की असली बात है। जो पब्लिक का स्टार है उसके सामने सब कुछ बेकार है। लेकिन ये सब चीजें तो आपको पढ़ने को मिल जाएंगी इंटरनेट पे आसानी से। मैं आज कुछ ऐसा लेकर आई हूँ आपके लिए जिसका सपना तक नहीं देखा होगा किसी ने। फिल्म आई थी जेलर नाम से, कमाल का मास एक्सपीरियंस शायद काफी लोगों ने देखी भी होगी। उसके अंदर एक आइकॉनिक सीन आया था जिसमें द लेजेंड रजनीकांत सर के बगल में मलयालम और कन्नड़ा सिनेमा दोनों के चैंपियन लेजेंड बैठे थे। इसका रिजल्ट क्या निकला जानते हो? जेलर पूरे 600 करोड़ का बिजनेस कर डाला वर्ल्ड वाइड, पैसा ही पैसा। अब क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलूं सेम टू सेम कुछ ऐसा ही कारनामा करने का आइडिया बिजनेस मैन शाहरुख खान के दिमाग में भी है। जवान को चलाने के लिए वैसे तो सिर्फ एक ही नाम काफी है, द ब्रांड एसआरके, लेकिन भूल गए क्या कॉम्पिटिशन एसआरके वर्सेस एसआरके का है, इसीलिए मेहनत डबल होगी। तो यार न्यूज कुछ ऐसी है कि जवान के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जिसके लिए नॉर्मल ऑडियंस तैयार नहीं है। एक तो फिल्म की कहानी काफी बड़ा सीक्रेट बन चुकी है, दो शाहरुख होंगे या फिर तीन शाहरुख होंगे, कौन हीरो है कौन विलन कुछ क्लियर नहीं है। बट जो लोग जवान को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारी मजेदार चीजें पढ़ी होंगी इस फिल्म के बारे में, जिसमें सबसे बड़ा शौक है कैमियोस का। मतलब फिल्म के अंदर छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट रोल्स में बहुत सारे डिफरेंट एक्टर्स नजर आ सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम चला था अपने पुष्पा भाऊ अल्लू अर्जुन का। एक टाइम पे न्यूज आई थी कि शूटिंग डन है, कैमियो 100% होगा, लेकिन फिर पता चला अल्लू भाऊ ने ना बोल दिया। बट दोबारा तीसरी बार फिर बोला गया कि अल्लू अर्जुन ने तो अपने पार्ट की शूटिंग भी अल्लू अर्जुन। दूसरा मजेदार नाम जो शुरुआत से ही फिल्म के साथ चिपका हुआ है वो है मास चैंपियन थालापति विजय का। ये फोटो देखकर बेचारे फैंस कब से इसको सच्चाई में बदलता हुआ देखना चाहते हैं, बट विजय सर तो एकदम सीक्रेट होकर बैठे हैं। जवान हिंदी के बाद तमिल में सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड फिल्म है, इसीलिए विजय प्लस एसआरके 100% ऑन। तीसरा मजेदार नाम इस लिस्ट में होगा अपने केजीएफ में रॉकी भाई को खतरनाक चैलेंज करने वाले संजू बाबा का। जी हाँ जवान बोला जा रहा है कि संजय दत्त एक ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, धोखा देकर पूरा गेम बदलना कोई इनसे सीखे वैसा वाला। चौथा नाम जिसका हिंट खुद फिल्म वालों ने जानबूझकर ड्रॉप किया है, अगर ये सच हो गया तो इंडियन सिनेमा बूम। रॉकिंग स्टार यश, इनका नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है थैंक्स वाले सेक्शन में जवान टीम की तरफ से। क्यों, किस बात का? सही बात है, आपको ये जानना चाहता है। लेकिन सोचो अगर वो हो गया जो मैं और आप सोच रहे हैं, एसआरके वर्सेस यश भले सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए थिएटर स्टेडियम में बदल जाएंगे और फैंस सीट पे खड़े होकर नाचेंगे। ये वाला सीन ना जाने कितने सालों के लिए आइकॉनिक रहेगा पूरे इंडियन सिनेमा में। ऐसा तूफान आएगा जिसमें सारे रिकॉर्ड्स उड़ जाएंगे। और अब इस लिस्ट में एक लेटेस्ट नाम जुड़ गया है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी, रजनीकांत सर। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट कुछ रिपोर्ट्स ऐसी घूम रही हैं कि रजनी सर जवान में कैमियो कर सकते हैं। और तो और जो चीज इससे भी ज्यादा स्पेशल है वो ये कि रजनी सर अपने जेलर वाले अवतार में एंट्री मार सकते हैं जवान की कहानी में। जवान के अंदर चोर पुलिस वाला गेम बहुत लंबा चलने वाला है, कौन किस रास्ते पे किससे भिड़ जाए अभी किसी को कुछ नहीं मालूम। शुरुआत में मैंने बोला ना लड़ाई अब एसआरके वर्सेस एसआरके की है, इसीलिए पठान को पीछे करने के लिए जवान किसी भी हद तक जा सकता है। वहां याद है टाइगर वर्सेस पठान की छोटी सी झलक दिखाई गई थी हमें और पूरा थिएटर आग की तरह गर्म हो गया था। अब इस आग को अगर ज्वालामुखी में बदलना है तो भैया जवान को ऊपर वाले पूरे 5 ना सही कम से कम 3 कैमियोस तो डालने ही पड़ेंगे। डायरेक्ट आपसे ही पूछ लेते हैं ना, बोलो पब्लिक जी जवान में कौन से एक्टर का कैमियो देखकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो आप? तो कहना ये है कि ये सारी चीजें होने वाली हैं और अगर इसमें से कोई एक भी यार एक्टर आ गया ना तो क्या धमाल होने वाला है। वैसे यार शाहरुख से ना कोई भी उम्मीद रखी जा सकती है। अब जैसे कि मैंने इससे पहले भी न्यूज़ पढ़ी और हो सकता है कि वो वीडियो में मैं आपके साथ
शेयर करूं कि बिजनेस इतना ज्यादा करिए कि पठान का जो रिकॉर्ड है वो शाहरुख खान ने यानी कि जवान ने अपना ही रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया है, क्योंकि अभी तो फिल्म जो है लगी नहीं है और बुकिंग के अंदर जी इतनी ज़्यादा वो जो है बिजनेस कर रही है और जितना ज़्यादा लोग जो है वो अंदाजे लगा रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे। और रश सिनेमाज में हो रही है जी, अभी से ही प्री बुकिंग स्टार्ट होगी और बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट होगी, जैसे कि एक धमाल आ गया हो सारी इंडस्ट्री में और सारी जो है दुनिया में कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो इसके अलावा अगर ये सारे एक्टर जिस तरह ये कह रही हैं कि हो सकता है कि आ जाएं, अगर इसमें यश आ जाते हैं या विजय आ जाते हैं या रजनीकांत, मतलब उनका तो कोई सोच भी नहीं सकता, अगर वो अपीयरेंस दे देते हैं वो आ जाते हैं, या संजय दत्त, ओफ संजय दत्त की तो क्या ही बात है, अगर वो आ जाते हैं या इसमें से कोई भी एक आ जाता है तो यार फिर तो मतलब वाह वाह हो जानी है, फिर तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है इस फिल्म का कि ये कितना ऊपर जाएगी और कितना मजा आने वाला है ऑडियंस को, मुझे, आपको, हर एक को, क्योंकि जो भी एक्टर, जो बड़े एक्टर अगर एक ही सीन में, एक ही जगह, एक ही फिल्म में हमको दिख जाते हैं तो हमें तो भाई मजा ही आ जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।